एनी साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ प्राइम ऑर्डर, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का ही होता है यह कहना गलत है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा शो करेंगे। हम एक ग्रुप लेते हैं, लेट जी इज इक्वल टू 1 - 1 i - i। हम इसे दिखा देते हैं कि यह एक साइक्लिक ग्रुप है। कैसे? अगर हम इसके किसी एक एलिमेंट के द्वारा इसके सभी एलिमेंट को हम जनरेट करते हुए दिखा दें तो यह क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पर हम i लेते हैं, i^1 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसी तरह से i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। i का क्यूब क्या हो जाएगा, -i। i^4 क्या हो जाएगा, +1। इसी तरह से एक और एलिमेंट की सहायता से हम इसके सभी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, वह है -i^-1 क्या होगा, -i ही होगा। उसके बाद -i^2 क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। इसी तरह से -i^3 क्या हो जाएगा, सिर्फ i होगा। और -i^4 क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप के जनरेटर क्या क्या हैं, i और -i हैं। तो हम इस आधार पर क्या कहेंगे कि यह ग्रुप जो है एक साइक्लिक ग्रुप है। लिखेंगे देयरफोर g इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।